आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चों के लिए आपने एक पढ़ाई लिखाई के लिए जो आपने जोर देने की बात करी, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपसे, क्योंकि आप पढ़ाई के लिए जोर दे रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने खुद ही कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, मैं साहित्य में कह रहा हूँ, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा और शोषण करने वालों के सीने वही फाड़ेगा। वही तो ये शिक्षा शेरनी का जो दूध है उसको लेके आपने जो बात कही, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, जैसे ये बच्चा है, अब इस बच्चे को देख के मुझे मतलब वो गीत याद आता है कि तुम्हें क्या बनना है। हमारे लोगों से पूछते बच्चे तुम्हें क्या बनना है, तो मैं अपने शब्दों में कहूँ कि हमारे एक बहुजन समाज के बच्चों को क्या बनना चाहिए, तो मैं अपने शब्दों में इस तरह कहता हूँ, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनना चाहता है, लेकिन मैं अगर बाबा साहब की तुलना करूँ तो बाबा साहब अच्छे इंजीनियर भी थे, अच्छे वैज्ञानिक भी थे, अच्छे वकील भी थे, अच्छे बैरिस्टर भी थे, अच्छे समाज सेवक भी थे, अच्छे नेता भी थे। तो इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक गीत मैं आपकी चैनल के माध्यम से SM न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको शेयर करता हूँ। पहले आज़ादी नहीं थी, बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में कुछ 7 अधिकार ऐसे महत्वपूर्ण दिए हैं जिनका हम लोग जिक्र करते हैं, उनमें से एक शिक्षा का अधिकार है। वो 7 अधिकारों में जैसे हमारा पानी पीने का अधिकार हो गया कि कल पीने को पानी नहीं था, कल पीने को पानी नहीं था आज एक्वागार्ड का पानी है, कल पीने को पानी नहीं था आज एक्वागार्ड का पानी है, कल रहने को झोंपड़ी नहीं थी आज महलों में जिंदगानी है, और कल खाने को रोटी नहीं थी आज घर घर में बिरयानी है। ये करिश्मा नहीं है किसी गांधी नेहरू किसी 33 करोड़ देवी देवताओं का, ये तो परम पूज्य सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की मेहरबानी है। तो हम इस तरह के जो उनके पानी का अधिकार है, चाहे वो शिक्षा का या वोट का अधिकार हो, चाहे महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल की बात हो, चाहे संपत्ति का अधिकार हो, चाहे स्वास्थ्य का या उसका सुरक्षा का अधिकार हो, तो ये 7 अधिकारों महत्वपूर्णों पे मैं लिखता हूँ। तो उनमें जो शिक्षा का अधिकार है उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अब कोई आज़ादी हमें मिल गई, अभी कोई हम लोग बंधन में नहीं है, हम कोई गुलामी में नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मिली आज़ादी अब नहीं बंधन हो, मिली आजादी अब नहीं बंधन डट कर पढ़ाई कर, आजादी अब नहीं बंधन डट कर पढ़ाई कर, तुझे बनना है ओ बेटा बनना है, तुझे बनना है भीमराव अम्बेडकर, तुझे बनना है भीमराव अम्बेडकर, मिली आजादी अब नहीं बंधन हो, मिली आजादी अब नहीं बंधन डट कर पढ़ाई कर, तुझे बनना है हो बेटा बनना है भीमराव अम्बेडकर, के मत धोखे में तू रहना मेरा मान भी ले कहना, पढ़ने से ज्ञान मिलेगा इतिहास में नाम चलेगा, और भीम न पढ़ता आगे न बढ़ता हो, भीम न पढ़ता आगे न बढ़ता अमर न होता मर कर, तुझे बनना है भीमराव अम्बेडकर, तुझे बनना है भीमराव अम्बेडकर, मिली आज़ादी अब नहीं बंधन डट कर पढ़ाई कर, तुझे बनना है भीमराव अम्बेडकर, के तेरी जान तेरी जवानी तेरे खून की ये रवानी, आए काम कौम की खातिर आए काम मिशन की खातिर, ऐसी हो तेरी कुर्बानी, तो कभी रुके ना कभी झुके ना, कभी झुके ना कर ले ऊंचा सर, तुझे बनना है हो बेटा बनना है भीमराव अम्बेडकर, तुझे बनना है भीमराव अम्बेडकर। थैंक यू, धन्यवाद, खूब खूब आभार आपका। आप यंग कवि हैं तो नए कवियों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? अपील मैं इतना करना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने कलम दी है, जो बाबा साहब ने कलम दी है उसमें जितना हो सके धार करें, धार में आपकी धार की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक शायरी जरूर हमेशा मैं पढ़ता हूँ कि दीन दुखियों को जो आगाह करने के लिए बाबा साहब ने आंदोलन चलाया है उसमें मैं एक पढ़ता हूँ, मिशन से बाबा के
बड़ा जो प्यार करता है। मिशन से भीम बाबा के बड़ा जो प्यार करता है, हमेशा भीम का सपना वही साकार करता है। और जरूरत ही नहीं मुझको बड़ी बंदूक तोपों की, है राजू भीम का बेटा कलम से वार करता है। तो जितने भी कवि हैं वो कलम में धार करें, और मैं गुजरात में काम कर रहा हूँ तो गुजरात में जो है मैं कलम के माध्यम से मैं अपना वो परचम लहरा पाया हूँ, और मेरे गीत है उसमें मैंने इसको जोड़ा है कि कलम में तेज तलवार करके हमें लड़ना सिखाया तूने ही जोश भर के, कलम से लड़ी लड़ाई मनु पे करी चढ़ाई, अरे विदेश में करी पढ़ाई सुनो रे मेरे भाई, और विद्वानों का भी बाप बना जो, और राजू ने माना है उनको ही ज्ञानी, महू वाले भीम बाबा मुर्दों को दी तूने जिंदगानी, भूखे को रोटी तुमने खिलाई तुमने पिलाया है प्यासों को पानी, महू वाले भीम बाबा मुर्दों को दी तूने जिंदगानी। इस तरह के मैं गाने रखे और बाबा साहब का मूवमेंट करने की। आप थे युवा कवि राजू भारती जी। देखो आवाज के अंदर एक एक बोल के अंदर इस तरीके से झलकता है कि हम किसी से कम नहीं है, जहाँ भी मौका मिलेगा हम उस मौके का फायदा उठाएंगे और समाज को आगे बढ़ाने के काम करेंगे। अभी राजू भारती ने बताया कि कलम के माध्यम से वो धार पहनादों की जो मनु व्यवस्था है उसको हम त्रस्त कर देंगे, और कलम की वजह से ही हम आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ में।